नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो, अपना आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, दोस्तों आज मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपना अकाउंट एक अच्छी बैंक में ओपन करा सको। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दोस्तों आपको एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया था कि आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप किस तरीके से करा सकते हो, और आपको अपना अकाउंट ऑफलाइन ओपन करना चाहिए या फिर ऑनलाइन करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको उसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बताऊंगा कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने सोच रहे हो तो आपको इस बैंक में ओपन अपना अकाउंट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, और दोस्तों अगर आपको कराना चाहिए तो आपको ऑनलाइन कराना चाहिए या फिर ऑफलाइन कराना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको इस बैंक में क्या क्या देखने को मिलते हैं और कितने रुपये में आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैंक दबा दें, जिससे आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसी बैंक है जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं, चाहे आप ऑफलाइन शॉपिंग करो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करो, आपको आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड से काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, इसके जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें भी दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, उसमें दोस्तों कई तरीके के ऑफर मिलते हैं आपको। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, और आप एक ऐसी बैंक चाह रहे हो जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर देखने को मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑफर देखने को मिले हैं, तो दोस्तों आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर। तो दोस्तों, अमेजन फ्लिपकार्ट पर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर आते रहते हैं, और दोस्तों जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो आईसीआईसीआई कार्ड के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर आते रहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने पर। तो दोस्तों, आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। और दोस्तों, इसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको ऑफलाइन अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कराओगे तो उसमें भी दोस्तों आपको अपनी फुल केवाईसी करनी पड़ेगी। आपको अपनी फुल केवाईसी करने के बाद तभी आप अपने अकाउंट को पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो, पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी फुल केवाईसी नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, बट दोस्तों आप उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, इससे बेटर है कि आप अपना अकाउंट ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ओपन कराओ, जिससे आप अपना फुल केवाईसी कराओ और आपका जो अकाउंट है पूरी तरीके से आपके साथ वर्क कर सके। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जब तक आप अपने अकाउंट में फुल केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका अकाउंट अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा, और आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट ऑनलाइन ऑफलाइन जाके ओपन कराते हो तो उसमें दोस्तों जो भी प्रोसेस होता है आप उसे ईजीली तरीके से पूरा कर दोगे और आपका अकाउंट अच्छी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपना अकाउंट कितने रुपये ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक जो है, अगर आप इसमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो वैसे दोस्तों इसमें आप ऑनलाइन ही जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, बट दोस्तों उसमें ज़्यादा फीचर नहीं है, वो सिर्फ नाम का अकाउंट होता है। उसमें दोस्तों आपको कोई भी फीचर देखने को मिलेगा जिससे आप अपने अकाउंट को अच्छी तरीके से यूज कर सको। तो दोस्तों, आप जब ऑफलाइन जाके इसे ओपन कराओगे तो आपका अकाउंट 10,000 रुपये से ओपन होगा, यानी दोस्तों आपको डेली का 10,000 रुपये रखना है अपने अकाउंट में, और आप उसके बाद अपने अकाउंट को यूज कर सकते हो उसमें आप एक्स्ट्रा पैसे डालकर। यानी दोस्तों, आपको 10,000 रुपये अपना अकाउंट में रखने हैं परमानेंट, तभी दोस्तों आपका अकाउंट अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर आपके अकाउंट में दोस्तों 10,000 रुपये से कम पैसे होते हैं तो आपके दोस्तों अकाउंट पर चार्ज लगा दिए जाएंगे और वो दोस्तों कटते रहेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको इस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है तो आपको 10,000 रुपये से अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इससे कम पैसे में दोस्तों आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। चाहे दोस्तों आप मेट्रो सिटी में रहते हो या फिर दोस्तों किसी भी शहर में रहते हो, आपको 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, यही एक प्रॉब्लम है इस बैंक की कि आपको 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखने हैं, तभी आप इस बैंक को यूज़ कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों, इस बैंक में आपको काफ़ी अच्छे ऑफर देखने मिलते हैं। अगर आप 10,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन कर सकते हो तो आप इस बैंक में अपना अकाउंट ज़रूर से ओपन कराएं। और दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई शॉपिंग करोगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो आपको अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी देखने को मिलता है इस आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर। और दोस्तों, इसकी जो पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड होता है आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी कुछ ही दिनों में। दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ ही दिनों बाद आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाती है। दोस्तों, आप इसके डेबिट कार्ड को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, इसके डेबिट कार्ड की फीस की बात करें तो 700 से 800 रुपये फीस होती है डेबिट कार्ड की, जो दोस्तों एक नॉर्मल फीस होती है, जो दोस्तों आपको HDFC बैंक में देनी पड़ती है। चाहे आप कोई सा भी डेबिट कार्ड लो, नॉर्मल कार्ड दोस्तों 700-800 रुपये फीस के साथ आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें,
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।